हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऊन से बना हुआ ये स्टार डोरमेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए मैं इसे बनाना सीखते हैं। इसमें मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं, मैं छोटा बताने जा रही हूँ। और आप चाहें तो 32 का बना सकती हैं, 40 का बना सकती हैं, जितना बड़ा चाहें डोरमेट उतना बड़ा बना सकती हैं। ये देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई जाएगी। इसी तरह से ये हम 14 फंदे बिन लेंगे। ये देखिए, मैंने उल्टा बिन लिया है, मैं सीधे पे आ गई हूँ। ये डोरमेट मैं सीधे सीधा बनाऊँगी। जैसे ये दो फंदे मैंने ले लिए हैं, इधर से नीचे से धागा बढ़ा के एक अंटा इधर लग गया। यहाँ हमें 3 फंदे करने हैं, 2 तो हैं ही, इसमें से फंसा देते हैं बीच से फंदे से, तो 3 हो जाते हैं। अब यहाँ हम 3 सादा रखेंगे, 1, 2, 3, फिर 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे धागा करके इसी तरह से हमें करना है, यहाँ हमारी डिजाइन बनेगी इस तरह से। यहाँ भी 3 फंदे, ये सिर्फ 2 फंदे, 2 का 1 लास्ट में। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही जाएगी। उल्टी सिलाई निकाल चुकी हूँ, ये देखना हमारी डिजाइन पड़ना शुरू हो गई है। और आप अगर बड़ा बनाएंगी तो बराबर फंदे होने चाहिए, जिस तरह से बीच में हमने 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, इस तरह से होंगे। ये 4 ही 4 रहेंगे, यहाँ 3 के 3 रहेंगे। ये हम 2 का 1 कर लेते हैं, ये हमारी डिजाइन पड़ रही है इस तरह से। फिर ये 2 फंदे हमने लिए हैं, इससे आधे फंदे से ऊपर वाले फंदे से हम इस तरह कर लेते हैं। फिर ये 3 हमारे सीधे सीधे जाएंगे इस तरह से, ये 2 का 1 कर लेंगे। ये हमेशा 2 का 1 ही होगा, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी। ये देखिएगा, मेरी डिजाइन पड़ना चालू हो गई है। आप चाहेंगी तो 3 तरह से और बना सकती हैं, 1, 2, 3 लाइनों में बना सकती हैं या 4 में बना सकती हैं। फंदा बराबर होना चाहिए, बीच में ये 4 फंदे रहेंगे। इसी तरह से हम 7 ये जाली बनाएंगे। जैसे हमने 14 फंदे डाले हैं तो 7 जाली बनानी होएंगी, जैसे 32 फंदे डाले हैं तो हमें 16 जाली बनानी होएंगी, और बीच में हमारी 3 लाइनें चलेंगी। अगर 32 डालती हैं तो इससे ज़्यादा डालेंगी तो उसके आधी जाली पड़ेगी, जैसे 40 हैं तो 20 जाली पड़ेंगी। इस तरह से हमारा ये डोरमेट तैयार होगा। ये देखिएगा, मैंने 7 जाली बना ली हैं। अब मैं इसको उतार दूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से डिजाइन और बड़ी करना चाह रहे हैं तो 3-3 की लाइन डाल लो या 4-4 की लाइन डाल लो, जितना बड़ा चाहे उतना बना सकती हैं। ये हमने एक लाइन की बताई है कि एक लाइन हमारी डिजाइन की पड़ रही है। ये नीचे ये देखिएगा, मैं उतार रही हूँ सीधी सिलाई से, उतार सीधी तरफ से उतरेगा ये इस तरह से। 2 का 1 करते जाएंगे। ये देखिएगा, मैंने उतार दिया इसको। अब मैं यहाँ से फंदे फिर भरना चालू, एक जो हमारे पास है फंदा, इसी तरह से हम भरना चालू कर देंगे। पीछे साइड से भरेंगे, फिर अगले साइड से इस तरह से भरेंगे। ये चैन है, चैन में डबल फंदा भरना है इस तरह से, जो हमारे 14 फंदे हो जाएं इस तरह से भरेंगे। ये देखना, पीछे से हमने ले लिया, फिर आगे से इस तरह से ले लिया। जो चैन है उसी से फंदा लेना है, उधर इधर उधर फंदा नहीं, तभी ये डिजाइन और बन जाती है बीच में हमारी। इस तरह से देखिए, मैंने फंदा 14 भर लिए हैं, 14 ही भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। और ये डिजाइन हमारी यहाँ पे बन जाती है, साइड साइड से ये जाली बन जाती है। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही जाएगी इस तरह से। हम उल्टा इसको पूरा बिन लेंगे, जिस तरह से हमने इसको बनाया था उसी तरह से बनाना है इसको।
ये हमने इधर से ले लिया। एक फिंदा यहाँ पे हमें बढ़ाना है इस तरह से, फिर तीन फिंदे हमें सादा मिलने हैं इस तरह से, फिर दो का एक करना है, फिर यहाँ एक जाली बनानी है, दो में फिंदा तीन करने हैं, ये यहाँ से लेना है, फिर तीन सीधे रहेंगे, फिर दो का लास्ट में एक करना है। इसी तरह से हमारी डिजाइन बनती जाएगी, सात जाली हो जाएंगी, फिर हम उतार देंगे, फिर दूसरी से इसी साइड से फिर भर लेंगे, जैसे हमने इसमें भरा था उसी तरह से हम फिर भर लेंगे। इस तरह से हमारी छह कलियां बन जाएंगी, फिर सिल देंगे लास्ट में हम।